लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। देखिए टॉपिक में हमारे पास क्या पूछा जाता है, जैसे रैंकिंग आया हमारे पास, रैंकिंग सिर्फ एक ही बात पर डिपेंडेंट है, वो बात मैं आपको बता देता हूँ किस पर डिपेंडेंट है। मान लो किसी का रैंक मुझे दे दिया कि मान लो एक राम नाम का पर्सन है, राम नाम का बंदा है, उसका मुझे रैंक दे दिया, लेफ्ट साइड से अगर मुझे 7 नंबर पोजिशन पे दे दिया, राइट साइड से अगर उसे 9 पर पोजिशन पे दे दिया, तो पूछेंगे कि क्लास में या रो के अंदर, उसमें क्लास में मतलब कक्षा में, रो में मतलब पंक्ति में कितने लड़के बैठे हैं। जब ये चीज पूछता है मुझसे तो देखिए मैं इनका दाएं बाएं का जोड़ बना दूंगा, मेरे पास कितना बनेगा 16, उसमें से एक माइनस कर दूंगा कितना बनेगा मेरे पास 15। तो यहां पर उस पंक्ति के अंदर कितने या क्लास के अंदर कितने होंगे हमारे पास, 15 लड़के होंगे जी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर हमारे पास ये जो पर्सन है दाएं बाएं दोनों तरफ से काउंट हो गया, मुझे एक को कम करना होता है, एक कम करना होता है तब जाके मेरे पास एग्जैक्ट आंसर आता है। ये चीज ऐसे भी हो सकती थी, मान लो राम नाम का पर्सन है, उसका ऊपर से रैंक है वो 7 से दे दिया, नीचे से रैंक 9 दे दिया जी, और कुछ ले लीजिए 9 के बजाय आप और कुछ ले लिया, यहाँ पर 17 ले लिए, वहां 9 ले लीजिए, टोटल कितना बना हमारे पास 26 बना। 26 में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा इसका, 25 आंसर आ जाएगा। तो ये चीज जरूर करनी होती है, चाहे दाएं बाएं हो चाहे अप एंड डाउन हो, टोटल करके एक माइनस जरूर कर दो, एक माइनस करो तभी हमारे पास आंसर बनेगा कि उसके अंदर पंक्ति में कुल कितने बैठे हैं। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मैं इसको एक शॉर्ट में बात बता देता हूं कि क्या बात है, ठीक है। शॉर्ट में मैंने एक बात क्या बताई कि हमारा रैंक पर जो टोटल बनता है, रैंक पर जो टोटल बनता है वो क्लास में जो टोटल होते हैं उससे एक ज्यादा होता है, क्लास में या फिर रो में जो टोटल होते हैं उससे क्या होता है, एक ज्यादा होता है। मतलब एक अगर उसमें से माइनस कर दो तो हमारे पास आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये बात है हमारे पास। चलिए बात करते हैं हमारे पास अगले वाले की। अगले वाले हमारे पास अगर मान लो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसा दे रखा है मुझे कि राम नाम का एक पर्सन है, राम किसी कक्षा में है, वो बाएं ओर से 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है, तथा दाएं ओर से 16वें स्थान पर है। तो मुझसे पूछेगा उस पंक्ति में या फिर उस क्लास में हमारे पास टोटल कितने हैं। अगर ये चीज पूछता है तो आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे हम लोग कि क्या करना है। राम आया, ठीक है, राम का रैंक मैंने बाएं से कितना ले लिया 15, और दाएं से मैंने कितना ले लिया 16। 15 और 16 का जोड़ कितना बन गया हमारे पास, 31 बन गया। 31 में से एक माइनस कर दीजिए यानी हमारे पास कितना बनेगा 30। तो यानी या उस पंक्ति की बात हो चाहे उस कक्षा की बात हो तो उसमें कितने बैठे हैं हमारे पास, 30 पर्सन बैठे हैं। तो पहली चीज तो हमने ये सीखी। अब देखिए यही जो बात है ये बार बार थोड़ी सी घुमा घुमा कर दी जाएगी, वो कैसे दी जाती है उस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे दी जाती है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। देखिए जी यही बात कैसे घुमा के देखा, वो ये बोलेगा यदि यदि कक्षा में 40 विद्यार्थी हो और उस कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से पंद्रवा हो तो कक्षा में मोहन का नीचे से क्या स्थान होगा, नीचे से क्या स्थान होगा, ये मुझसे प्रश्न पूछ लिया जी, ठीक है। आप इसका जवाब दीजिए, एक साइड के लिए रोकते हैं हम लोग वीडियो को रोककर फिर एक जवाब दीजिए आप, ठीक है। चलिए मैं यहां से शुरू कर देता हूं। क्या है हमारे पास, क्या बोला, मोहन है, ये मोहन आया,
मोहन का स्थान ऊपर से कितना दे दिया मेरे पास, 15वां दे दिया, नीचे से मुझसे पूछ लिया, लेकिन यहां पर कक्षा में मुझे विद्यार्थी कितने दे रखे हैं, 40 दे रखे हैं। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रैंक पर जो टोटल बनेगा वो क्लास के टोटल से क्या बनता है, एक ज्यादा बनता है। क्लास में हमारे पास कितने बिठा रखे हैं, 40, और एक ज्यादा बनेगा मतलब कितना बनेगा रैंक पर टोटल, 41। तो ये रैंक ही तो है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे दाएं बाएं रैंक होता है। ये 15 आया तो यहां से मैं कितना लिख सकता हूं, 26 लिख सकता हूं, तब जाके मेरा 41 बन जाएगा। तो मोहन का स्थान है वो नीचे से कितना बनता है, 26 बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है हमारे पास, 26 इसका बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मुझसे बोला गया है कि यदि एक कक्षा में, यदि एक कक्षा में, एक कक्षा में ए का स्थान बाएं ओर से 19वां हो, बाएं ओर से 19वां हो तथा बाएं ओर से 19वां हो तथा उसी कक्षा में बी का स्थान बाएं ओर से 21वां हो तथा दाएं ओर से 16वां हो। तो पहली बात पूछी कि कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, दूसरी बात पूछी कि ए का स्थान दाएं से कितना है। ये दो प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं। ठीक है, इन दोनों प्रश्न के आपको जवाब देने हैं। कैसे जवाब दोगे वो देखिए। अगर मैं बात करूं यहां पर कक्षा की तो देखो हमारे पास ए का स्थान क्या दिया गया हमारे लिए, बाएं से क्या दिया, 19। बाएं से कितना दिया जी हमारे पास, 19। और बी की अगर मैं बात करूं तो उसका बाएं से कितना दे दिया हमारे पास, 21। और बी का स्थान दाएं से भी दिया, नहीं सॉरी, हाँ 21, और दाएं से कितना दिया हमारे पास, 16। ये वाली बात है जी। अब देखिए इसको दो तरीके से किया जा सकता है, दो तरीके से। कैसे, एक तो सेम एरो को ले लो कि ये 19 था, ये कितना बन गया हमारे पास, 21, यानी कितना बढ़ गया, 2। तो इसको भी मैं इस तरीके से भी कितना बढ़ा दूंगा, 2, 16 में 2 जोड़ दूं तो कितना बन गया हमारे पास, 18। तो मेरा आंसर आ सकता है कि दाएं से कितना बनेगा, 18। दूसरे तरीके की अगर मैं बात करूं तो दूसरे तरीका, एक ही सोल्व करने का एक ही तरीका है जी, वो क्या है हमारे पास, यहां पर ए का दाएं बाएं का जोड़ कितना दे रखा है हमारे पास, टोटल 37। तो सॉरी, बी का दाएं बाएं का जोड़ हमारे पास कितना बना, 37। तो ए का भी दाएं बाएं का जोड़ 37 ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास 19 तो गिवन ही थे, तो हमारे पास कितने की ओर जोड़ थी, 18 की ओर जोड़ थी। तो 18 से मेरे पास उसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोनों ही हमारे पास आंसर बन जाएंगे जी। ठीक है, कैसे कैसे बने हमारे पास आगे समझ में, 37 इसका बना तो 37 इसका बन गया, दोनों का ही हमारे पास 37 बन गया, तो दो आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, दो दो तरीके इसके सोल्व करने के यही थे। अच्छा, दूसरी बात, ए का तो चलो दाएं से रैंक आ गया हमारे पास 18, 37 टोटल बनाए कि उसमें से माइनस कर दो कितना बनेगा, 36। तो कक्षा में हमारे पास कितने बनने वाले, 36 विद्यार्थी बनने वाले हैं। कितने बनने वाले जी हमारे पास, 36 विद्यार्थी बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनने वाले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन मुझे यह बोला गया, क्या बोला गया कि यदि एक पंक्ति में, यदि एक पंक्ति में नरेश का स्थान ऊपर से 17वां हो, नरेश का स्थान ऊपर से 17वां हो
तथा उसी पंक्ति में, उसी पंक्ति में महेश का स्थान, महेश का स्थान नीचे से, नीचे से पंद्रहवां हो, नीचे से पंद्रहवां हो। यदि वो अपना स्थान बदल ले तो, यदि वो अपना स्थान बदल ले तो, बदल ले तो, वो स्थान बदल ले तो महेश का स्थान, महेश का स्थान नीचे से, नीचे से 29वां हो जाता है, 29वां हो जाता है। तो फिर वही दोनों प्रश्न पूछे, एक तो पूछा पंक्ति में कुल लड़के बताने कितने हैं हमारे पास, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। दूसरा हमसे वही प्रश्न पूछा गया क्या कि, दूसरा हमारे से पूछा नरेश का ऊपर से स्थान कौन सा होगा, करंट में पूछा है कि करंट में हमारे पास कैसा हो जाएगा जी। ठीक है, ये दोनों ही हमसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो दोनों का हमें जवाब देना है कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको सोल्व कराता हूं। चलिए बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन की, तो इधर से शुरू कर देते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैसा है कैसा नहीं है, इधर सोल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास पंक्ति में नरेश का स्थान दे रखा है, क्या ये नरेश है, नरेश का स्थान दे रखा है हमारे पास ऊपर से, कितना दे रखा है हमारे पास 17 दे रखा है। एक फिर महेश है, महेश का स्थान कितना दिया हमारे पास नीचे से, कितना दे रखा है जी, नीचे से स्थान मुझे दे रखा है 29वां। फिर कहते दोनों अपना स्थान बदल ले तो, दोनों स्थान बदल ले मतलब महेश यहां चला जाता है और नरेश यहां आ जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा होने से क्या होता है, महेश का स्थान है वो, अच्छा ये 29 नहीं था जी, ये यहां पर हमारे पास 15 था, इसको थोड़ा सा आप इरेज कर दीजिए, ये हमारे पास कितना था 15 था जी हमारे पास, नीचे से क्या स्थान था 15वां था, ये देखिए नीचे से स्थान 15वां था। स्थान बदलने के बाद महेश 29वां हो जाता है, नीचे से कितने पे चला जाएगा 29 पे चला जाएगा। देखो इतना करते हैं हमारे पास जवाब तो आ गया, पर अब इसका जवाब का हमारे पास हल करना है, उस हल को कैसे करना है वो चीज आप लोग देखिए। क्या है हमारे पास कि हमें यह दिया महेश 15 पे था 29 पे हो गया, यानी कितना रैंक और ऊपर चढ़ गया वो 14 रैंक ऊपर बढ़ गया। तो ऐसा ही हमारे पास नरेश के साथ होगा, नरेश 14 स्थान नीचे आ जाएगा, 14 जोड़ दो इसमें कितना बनने वाला हमारे पास 31 बन जाएगा। और दूसरा आपको एक और तरीका बताया था, क्या बताया था, जब किसी भी स्थान का दाएं बाएं का जोड़ हमारे पास या ऊपर नीचे का जोड़ हमारे पास, यहां कितना बना दिया हमारे पास 46 जोड़ बन गया, तो यहां पर भी कितना बनना चाहिए 46 ही बनना चाहिए, 15 था कितने की जरूरत पड़ेगी 31 की, तो मैंने 31 वहां लिख दिया जी, तो उससे मेरे पास 46 यहां पे बन गया। तो नरेश स्थान बदलने के बाद नरेश का स्थान ऊपर से पता लग गया, ऊपर से कितना बनने वाला है हमारे पास 31वां। स्थान बदलने के बाद पूछेगा हमेशा, जब पूछ क्योंकि पहले तो दिया ही होता है, बाद का पूछता है, तो बाद का कितना बनेगा हमारे पास 31। तो इसका आंसर तो हमारे पास 31 आ गया। अब बात थी कुल की, तो कुल जब हमें पता लग गया कि रैंक पर मेरा जोड़ कितना बना है 46, उसमें से एक माइनस कर दूंगा तो हमारे पास कितना बनेगा 45। तो हमारे पंक्ति में कुल कितने लड़के खड़े हैं जी 45 लड़के खड़े हैं।
ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको नोट कर लीजिए जी एक बार। बढ़े जी आगे, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे ऐसा कुछ पूछा गया है जी कि यदि यदि किसी कक्षा में यदि किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी हो, 40 विद्यार्थियों और 40 विद्यार्थियों और उस कक्षा में एक का स्थान दाएं ओर से 13वां हो, दाएं ओर से 13वां, यहां 13वां लिखा हुआ है जी, ठीक है, 13वां हो और बी का स्थान बाएं ओर से 11वां हो, तो ए और बी के मध्य कुल कितने विद्यार्थी होंगे, ये हमसे पूछा है, जी। चलिए हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, इस क्वेश्चन का हम जवाब भी देंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इसको करना है। चलिए बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या बोला गया कि ए का जो स्थान है वो मुझे दाएं से दे रखा है, ए दाएं से काउंट करो तो उधर से ये दायां होता है हमारे पास, ये दायां अंत होता है जी, क्या होता है, दायां अंत मतलब राइट एंड, ये मेरे पास राइट एंड होता है, इधर वाला राइट एंड होता है जी मेरा, इधर से ए का स्थान कितना दे दिया मेरे पास 13वां दे दिया, उधर से बी का स्थान कितना दे दिया मेरे पास 11वां दे दिया। अच्छा देखो हमारे पास यहां तक कितने बैठ गए, यहां तक कितने बैठ गए, 11 यहां बैठ गए, 13 यहां बैठ गए, मतलब कितने बैठ गए मेरे पास 24 बंदे बैठ गए, कितने बैठ गए जी मेरे पास 24 बंदे बैठ गए, तो बाकी कितने बचे हमारे पास 40 में से 24 गया यानी कितना बचा हमारे पास 16, तो 16 कहां बैठेंगे, ए और बी के कहां चले जाएंगे, मध्य में जाकर बैठ जाएंगे, ठीक है, ए और बी के मध्य में जाके बैठ जाएंगे, तो हमारे पास ए और बी के बीच में कितने बैठेंगे हमारे पास 16 बैठेंगे। देखिए हमारे पास दोबारा से बताया, तो यहां तक 11 बैठे थे, इस साइड 13 बैठे थे, टोटल कितने बैठ गए 24, बिठाने कितने थे मैंने 40, तो बाकी 16 कहां बिठाऊं, उनके बीच में बिठा दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, उन दोनों के मध्य में कितने बैठने वाले 16 उनके मध्य में बैठने वाले हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता है, अगले क्वेश्चन बात करो तो मुझसे कहता है कि यदि कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी हो, 30 विद्यार्थी हो और 30 विद्यार्थी और उस कक्षा में m का स्थान बाएं ओर से
बाएं ओर से 23वां हो, 23वां हो और एन का स्थान दाएं ओर से, दाएं ओर से, दाएं ओर से 19वां हो, तो दोनों के मध्य, दोनों के मध्य कुल कितने लड़के बैठेंगे, कुल कितने लड़के बैठेंगे, ठीक है, बैठेंगे, ये हमसे पूछा है जी। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर शुरू करता हूं मैं कैसे कैसे ही पूछता है। चलिए बात करें हमारे पास क्वेश्चन की। देखो जब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं और M, ये M है जी, M का स्थान बाएं से कितना दे दिया मेरे पास 23वां, और N है, N का स्थान दाएं से कितना दे दिया मेरे पास 19वां। 23 और 19 कितना बन गया मेरे पास 42, कितना बन गया मेरे पास 42। बिठाने कितने थे मैंने, कितने बिठाने थे मैंने 30, बैठ गए 42, कैसे करें, क्वेश्चन तो गलत हो गया। क्वेश्चन गलत नहीं हुआ जी, बिल्कुल सही हुआ है। क्या होता है ऐसे केस के अंदर, एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाते हैं, गिनते गिनते ना क्रॉस करके चले जाते हैं, ऐसे गिनते गिनते दूसरा भी उसको क्रॉस करके चला जाता है, मतलब क्रॉसिंग का केस हो जाता है। आपको करना कुछ नहीं है, 42 में से जितने बिठाने उतने माइनस कर दो, यानी कितने बने मेरे पास 12। 42 में से जितने बिठाने थे, बिठाने कितने थे मैंने 30, उनको माइनस कर दो यानी 12, 12 लड़के मेरे पास एक्स्ट्रा बैठ गए। जो एक्स्ट्रा बैठ जाते हैं उसमें से दो माइनस कर दो तो उनके मध्य में आ जाएगा हमारे पास, कितना बनेगा हमारे पास 10 विद्यार्थी उनके मध्य में बैठे होंगे। अब तो एक रट्टे वाली बात हो गई, इसको समझ तो आई नहीं आप लोगों को। चलिए अब इसको ना मैं थोड़ा सा समझाता हूं, कैसे समझाना है एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा दूंगा कि क्या क्या चीज थी जी। ठीक है, एक बार ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते थे हमारे पास क्वेश्चन क्या था। अब देखो हमारे पास, एक काम करो आप इसको थोड़ा सा ना इधर वाले को इसको इरेज कर दो, वापसी में इरेज कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मैं एक बात बोलूंगा, वो चीज आप ना थोड़ा थोड़ा भूलते जाना, जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे भूलते जाना। ठीक है, चलिए ये है हमारे पास, मान लो कि 30 ही विद्यार्थी, सिर्फ एम बैठा उसके अंदर, और एम का स्थान मेरा बाएं से कितना दे रखा है जी 23वां दे रखा है, बाएं से क्या दे रखा है 23वां। अगर यही 30 विद्यार्थी बैठे तो M का स्थान दाएं से कितना बनेगा, 30 बैठे हैं तो यहां पर जोड़ कितना बनना चाहिए 31 बनना चाहिए, मतलब मुझे कितने की जरूरत है 8 की जरूरत है, कितने की जरूरत है 8 की। अब वापसी N को लिखो कि N है वो दाएं से कितने स्थान पर है 19 पर। अब सोचने वाली बात क्या है, अगर मैं इधर से काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले आता है, 19 पहले आता है, 8 पहले आएगा, तो यानी M यहां नहीं बैठा, M उधर बैठा है। और मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया था, ये क्रॉसिंग का केस होता है, एक दूसरे को क्रॉस करके बैठ जाते हैं, पर हमारा वो मुद्दा ही नहीं है, हमारा तो आंसर निकालने का मुद्दा है कि आंसर निकालो भाई क्या आएगा क्या नहीं आएगा। चलिए अब आंसर निकालते हैं हमारे पास। देखो 8 के पास हमारे पास क्या आने वाला, 8 के बाद, 8 के बाद मेरे पास आएगा एक तो 9 नंबर आएगा, एक 10 आएगा, एक 11 आएगा, एक 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 18, जब जाएगा 19 वाला आएगा हमारे पास, ऐसा आएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखो हमारे पास कितने बैठे थे, 1 2 3 4 5 6
सात आठ नौ दस, और यही चीज मैंने निकाली थी, दस ही निकाली थी, दस ही तो बैठे उनके बीच में, और यही चीज मैंने आपको समझाई थी। कैसे समझाई थी, क्या करना है जी, एम का स्थान 23, एन का स्थान 19, दोनों का जोड़ बनाओ 42, बिठाने कितने थे मैंने 30, 12 एक्स्ट्रा बैठ गए, एक्स्ट्रा बैठने वाले में से क्या करना, मैंने दो माइनस कर देना है, 10 आ जाएगा। और वो दो माइनस क्यों हुए, क्योंकि वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए डबल डबल बार काउंट हो गए, इसलिए मैंने उनको क्या किया, माइनस कर दिया। तो ये वाली इसकी कहानी थी कि ऐसा पर्सन पूछा जाता है पेपर के अंदर, किस तरीके से पूछा जाता है उसका अभी हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपके पास रैंकिंग का एक बेसिक, मैंने इसको बताया है, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, ओके जी, बाय बाय टाटा, टेक केयर।